हत्या के मामले में जेल में बंद भाई को छुड़वाने के लिए बहन ने अपने ही रिश्तेदार फूफा के घर सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस की गिरफ्त में आई महिला ने पूछताछ में चोरी कबूल ली। महिला ने सोने चांदी के लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चुराए थे, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरीनगर का है। यहां रहने वाले किराना व्यापारी के घर हुई लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी महिला बबीता ने बताया कि पिछले 2 सालों से उसका भाई हत्या के मामले में जेल में बंद था। उसकी जमानत के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर उसने अपने ही फूफा के घर में चोरी की वारदात की साजिश रचकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी महिला बबीता ने घर की चाबी प्राप्त की और ताला खोलकर घर में घुसी। बबीता ने अलमारी के लॉकर से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बबीता को गिरफ्तार किया है। वहीं व्यापारी के घर में चोरी हुए 4 लाख रुपए के आभूषणों की बरामदगी भी कर ली गई है। ये गौरीनगर स्थित अरुण चौरसिया जी का मकान है, जहां पर वह दिन में अपनी दुकान पर गए थे और उनकी पत्नी बच्चों के साथ स्कूल गई थी। घर का ताला लगा हुआ था, तभी उनकी एक परिचित है बबीता चौरसिया, उनके फूफा जी की लड़की है, जो वो घर आई और उसने, उसे पता था चाबी कहाँ रहती है, उसकी ताला खोला और अंदर गोदरेज का ताला, दरवाजा तोड़कर, ताला तोड़कर उसमें से सोने चांदी के जेवरात करीब 4 लाख रुपए के वो वहाँ सर लेके चली गई थी। बाद में जैसे ही घर वाले घर पहुँचे तो उन्हें जब सामान बिखरा हुआ और उसका गोदरेज का ताला टूटा हुआ दिखा तो उन्होंने चोरी संबंधी पुलिस को रिपोर्ट किया। आसपास के सीसीटीवी देखने में ये पाया कि वह बबीता चौरसिया उस समय घर के अंदर गई थी और करीब 4 लाख का माल उसने चुराया है, जो आरोपिया से बरामद किया गया है। करीब 1.5-2 साल से बबीता का जो भाई है ललित चौरसिया, वह 302 के केस में जेल में, जो हीरानगर में एक भट्टे, ईट भट्टा के वहाँ पर हुआ था, उसी की जमानत के लिए वह उक्त घटना की है कि इससे जो पैसा उसे प्राप्त होगा उससे वो उसकी जमानत करवाने में मदद मिलेगी। नहीं, अभी उसने अपने पास ही रखा था, उसी के पास से बरामद हुआ है। कहाँ की घटना थी? गौरीनगर। बबीता इधर उधर बस ऐसे ही मजदूरी और गृह कार्य करती है।